अक्कड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। नमस्कार, स्वागत है आपका धाकड़ खबर में। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम बेबाक बात। मैं माफ़ी चाहता हूं कि महाराष्ट्र के चुनाव के चलते व्यस्तता इतनी बाकी जगह बढ़ गई थी और कुछ घरेलू काम थे, इस वजह से मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से बात नहीं कर पाया, लेकिन फिर से ये सिलसिला चालू हो जाएगा और 2020 में यदि भगवान चाहे तो हम अच्छी तरह से अच्छे अच्छे इशूज़ आपके सामने बात करेंगे। आज जो बात मैं करना चाहता हूँ, यकीनन वो वही बात है जिससे आज देश जल रहा है। हम नागरिक कानून की बात करते हैं। इस देश का जब संविधान लिखा गया तो इस पे बहुत चर्चा हुई कि ये देश हिंदू है क्या। तब तमाम उस ज़माने के तमाम बड़े नेताओं ने, जो अलग अलग विचारधारा रखते थे, एक बात पे सहमत हुए कि ये मात्र देश हिंदुओं का नहीं। फिर बात ये आई कि हिंदू तो धर्म ही नहीं, वो तो एक जीवन पद्धति है। ऐसे कई डेफिनेशन सामने आए। अंत में धर्मनिरपेक्ष संविधान में ये शब्द गढ़ा गया और तब से हमारा संविधान सभी जाति धर्मों का इस देश में बाकायदा इज्जत करता है और हर धर्म को आज़ादी देता है कि वो अपने धर्म को माने, अपने तरीके से माने। लेकिन विगत कुछ दिनों से जो ये राष्ट्रवाद का आतंकवाद देश पे छाया हुआ है कि जिसे जो कुछ करना है, जो कुछ मनवाना है, यदि आपके हाथ में सत्ता है तो राष्ट्रवाद का झोला पहना के आप उसे मनवाने का प्रयास करते हैं। आप क्या खाएं, आप कहाँ जाएं, आप कहाँ सोए, आप कहाँ रहे, ये सब अब राष्ट्रवाद में परिवर्तित हो गया है। ये कहीं ना कहीं देश के उस गंगा जमुना संस्कृति की जो एक हमारी एक विरासत थी, उसका ताना बाना कहीं टूटता हुआ नज़र आता है। सवाल ये कि जो नया कानून आ रहा है उसमें ये कहा गया कि कोई भी हिंदू हो, पारसी हो, जैन हो, सिख हो, जो यदि इन तीन देशों में हैं और वो यदि वापस आना चाहते हैं तो उन्हें नागरिकता देनी चाहिए, लेकिन मुसलमान को नागरिकता नहीं मिल सकती है। मेरा सवाल ये भी है कि जब पाकिस्तान में भारत के मुसलमान गए या बांग्लादेश जब हमारे नेताओं ने पाकिस्तान बना दिया तो बांग्लादेश में ऐसे कई हिंदू थे, मुसलमान थे, वो नहीं चाहते थे ये देश छोड़ना, लेकिन नेताओं के उस तमाम षड्यंत्रों के चलते देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान हुआ। जब पाकिस्तान नहीं हुआ था वो भी हिंदुस्तान ही था, जब बांग्लादेश नहीं पाकिस्तान से अलग हुआ था तो वो पाकिस्तान और उसके पहले हिंदुस्तान था। जो मुसलमान भारत के थे और वो पाकिस्तान या बांग्लादेश में गए, क्या वो वापस आ पाएंगे? क्या उनका स्वागत वैसा ही नहीं होना चाहिए जैसा हिंदुओं का, पारसियों का, जैनियों का या सिखों का होता है? क्योंकि जो पाकिस्तान में लोग गए हैं यहाँ के मुसलमान, आज भी उनको वहाँ दुय्यम दर्जे का मुसलमान माना जाता है। वो सम्मान वो नहीं पा पाए जो पाकिस्तान के क्षेत्र में जो पहले से रहते आए हैं या बांग्लादेश के क्षेत्र में जो पहले से रहते आ रहे हैं, उन्हें जो प्राप्त होता है। कई बार गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ करने के बाद, एहसास होने के बाद, सुबह का भुला शाम को वापस आ जाए तो उसे भुला नहीं कहते, ये हमारे यही कहा जाता है। तो यदि कोई मुसलमान बंधु जिसकी पीढ़ियाँ भारत में गई हैं, जिसके सारे रिश्तेदार भारत में हैं, वापस आना चाहते हैं, तो क्या इस बिल के तहत उसका वेलकम नहीं होना चाहिए था? ये कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे ऐसा डिवाइड करता है जिससे किसी के गले उतर नहीं रही है। जो राष्ट्रवाद का आतंकवाद इस देश पे चला रहे हैं वो बार बार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम इतना करें कि यहाँ के या तो एक धर्म विशेष के लोग परेशान हो जाए। एक तरफ आप बार बार कहते हो कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ये भारत आपका उतना ही है। संघ चालक एक तरफ कहते हैं कि इस देश का मुसलमान भी मुसलमान है। संघ चालक जब ये कहते हैं कि इस देश का मुसलमान भी वही है जो कन्वर्ट हुआ है तो हिंदू, तो इस देश का मुसलमान जो हिंदू होके कन्वर्ट हुआ, यदि वो पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान जाता है तो क्या उसे फिर इस भारत भूमि पर आने का अधिकार नहीं? इस सवाल का कौन जवाब देगा? जो हिंदू परिवार वहाँ बचपन सालों से रह रहे हैं, पैदाइश वहाँ है क्योंकि वो हिंदुस्तान का पार्ट ही था, उस पंजाब में जो लोग रह रहे हैं सरदार, जो पंजाब डिवाइड हुआ, उस पंजाब और इस पंजाब में फ़र्क क्या है? एक सियासी लाइन तो खींच गई है, बाकी है तो वही। तो क्या हम उन पंजाबियों को ये कहें कि आप पाकिस्तान में ही थे, या वो लाइन और थोड़ी आगे आती और पूरा पंजाब पाकिस्तान में जाता तो क्या हम ये बोलते कि ये पूरा पंजाब पाकिस्तानी हो गया?
कहीं ना कहीं इसमें एक बड़े षड्यंत्र की बू आती है, और ये बड़ा षड्यंत्र इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी है, आपके पास वो आंकड़े हैं लोकसभा और राज्यसभा में जिसके बल पे आप ये राजनीति कर सकते हो। तमाम एनडीए के घटक आज नीतीश कुमार के पार्टी में द्वंद्व चल रहा है कि क्या ये बिल सही है या गलत है। पहले बताया गया कि ये बिल मात्र नॉर्थ ईस्ट के लिए हुए, ये बिल उन घुसपैठियों के लिए किया जा रहा है जो बांग्लादेश पे यहाँ आके घुसते हैं, हम उनको निकाल के बाहर कर देंगे। सवाल अहम है, आप जब निकालोगे तो क्या जिस देश के नागरिक कह के निकालोगे, यदि उस देश ने उनको अपना नहीं माना तो वो रहेंगे कहाँ? क्या इस पूरे विश्व की जो एक सिस्टम है वो आपको अलाउ करेगी? क्या आप इनको कहो ये बांग्लादेशी और बांग्लादेश के ही हमारे हैं नहीं तो जाएंगे कहाँ? क्या आपने बांग्लादेश से पहले बात कर ली कि जो हमारे यहाँ आपके लोग आए हम उनको वापस करेंगे? आप ये कहोगे कि ये डॉक्यूमेंट बताते हैं कि ये बांग्लादेश से, बांग्लादेश वाले बोलेंगे डॉक्यूमेंट नकली है हमारी नहीं है, तो उन लोगों के लिए क्या करोगे आप? एक तरफ कहते हो कि भारत और हिंदू धर्म इतना विशाल है कि हर दूसरे धर्म को एक्सेप्ट किया है, हर एक को हमने आने दिया है, कई आक्रमण हुए लेकिन हिंदू धर्म ध्वस्त नहीं हुआ, तो उस हिंदू धर्म के जो खुले हाथ थे उनको बांधने वाले आप कौन? ऐसे कई मसले हैं। आपने कहा पारसी आ सकते हैं, शायद इनको पता नहीं पारसी कभी भारतीय रहे नहीं, वो हिंदू धर्म फॉलो ही नहीं करते, पारसी धर्म ये हिंदू धर्म की शाखा नहीं है। वो जब एक इराक ईरान साइड पे जब वो रहते थे और जब बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, जब आक्रमणकारियों का दमन नहीं झेल पाए तो वो एक अच्छी जगह ढूंढते ढूंढते भारत आए, अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों ने उन्हें सेटल कर दिया, मुंबई में आपको सबसे ज़्यादा पारसी मिलेंगे। इस देश में जूज है, जब जूज प्रधानमंत्री जब इजरायली प्रधानमंत्री आते हैं तो जू उनको मिलने जाते हैं, इजरायली प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से बात करके वे कहते हैं कि हमारे कुछ लोग आपके यहाँ हैं उनकी सुरक्षा के ध्यान रखिएगा, लेकिन वो जू इजरायल नहीं जाना चाहते, वो इस भारत में ही रहना चाहते हैं क्योंकि वो भी कन्वर्टेड है, उनकी पीढ़ियाँ उनके यहाँ के जूज जो है उनका, यदि आप शादी की रस्में देखें बाकी रस्में देखें तो वो रस्में एक ही है। हमारे कोकण में कई कन्वर्टेड मुसलमान हैं, अब्दुल रहमान अंतुले उनमें से एक नाम है, लेकिन कोकण में जो कन्वर्टेड मुसलमान है वो यदि ब्राह्मण से मुसलमान हुआ तो वो अपनी बेटी की शादी दूसरे कन्वर्टेड ब्राह्मण मुसलमान के यहीं करता है। मेवात के मुसलमान आज भी परिक्रमा जाते हैं श्री मथुरा वृंदावन की। तो ये तमाम जो चीजें हैं इसको ध्वस्त करने वाले आप कौन? और जित नॉर्थ ईस्ट के लिए, उत्तरी पूर्व के लिए आपने ये कानून बनाया, जिस आसाम के लिए कानून बनाया, क्या आसाम के लोग उसको पचा पा रहे हैं? क्या उत्तरी पूर्व के लोग उसको पचा पा रहे हैं? यदि वो विद्रोह पे आमादा है तो कहीं ना कहीं फिर आपके कानून में गलती है। उनके लिए यदि कानून बनाया गया तो कम से कम उनको विश्वास में तो लेना चाहिए था। हम जानते हैं कि 35A निकालना बहुत जरूरी था जम्मू कश्मीर से, क्योंकि दुयम दर्जे का नागरिक इस देश में हो नहीं सकता, वहां नागरिकों की नागरिक की परिभाषा थी, उसमें कुछ ऐसे दुयम लोगों को दुयम नागरिकता थी कि जो कुछ कर ही नहीं पाते थे। लेकिन यदि 35A हटाया तो जो 35A की वकालत करके सालों से उन लोगों का शोषण कर रहे थे उनके खिलाफ एक जनमानस तैयार करने का काम इस सरकार पे था। क्या वहां के लोगों को विश्वास में लेके आपने बताया था कि 35A हटना कितना जरूरी है, 370 हटने से आपका भला होगा, ये आप बता पाए उनको? आपने हमेशा कश्मीरियों को पाकिस्तानी कहा है, और कश्मीर यदि देश का अंग है तो क्या सिर्फ मात्र भौगोलिक रूप से वो अंग है? क्या हम रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं कि हमको कश्मीर की जमीन चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए? यदि वो कश्मीरी है, वो भारतीय है, तो फिर भारतीय क्यों नहीं, उन्हें पाकिस्तान का तंगबा क्यों लगाया जाता है?
चार लोग पत्थर फेंकते हैं या पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं तो पूरी कौम को आप पाकिस्तानी नहीं कह सकते। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनके ऊपर बलात्कार के केसेस है, तो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बलात्कारी नहीं है। कुछ भ्रष्ट जज पकड़े जाते हैं, सजा होती है, तो पूरी जुडिशियल सिस्टम भ्रष्ट नहीं है। पत्रकारिता में कुछ लोग पैसे खाते हुए मिले जाते हैं, तो इसका मतलब पूरा पत्रकार बिरादरी भ्रष्ट नहीं है। आप किसी को टैग नहीं कर सकते। और आज पूरा देश जल रहा है और आप इस बात पे अड़े हुए हो कि रेप कैपिटल राहुल गांधी ने क्या कहा, रेप इन इंडिया क्या कहा। जुमलेबाजी के लिए तो सत्ता पक्ष बहुत रूप से जाना जाता है। 2014 के पहले इसी दिल्ली को रेप कैपिटल कहने वाले नरेंद्र मोदी यदि रेप इन इंडिया बोला तो इतना दुख नहीं होना चाहिए। उन्हीं के पार्टी के कितने सांसद हैं जिन पर रेप का आरोप है। ये दोहरा चरित्र यदि जब लोगों के सामने आता है तो लोग कहीं ना कहीं रिएक्ट करेंगे। यही इस पार्टी को हरियाणा और महाराष्ट्र में भुगतना पड़ा। यही कारण है कि लोग समझ गए कि आप एक तरफ महात्मा गांधी के 75 साल मनाने के लिए पूरे देश को झोंक देते हैं, हर मंत्रालय को काम पे लगा देते हैं, और आप बहुत दिल खोल खोल के बोलते हैं कि महात्मा गांधी इस देश की धरोहर है। ये महात्मा गांधी क्या है ये बताना, जब आप लोगों को देश को बताना चाहते हैं और महात्मा गांधी को आपका अपना सिंबल और अपना युग पुरुष मानते हैं। उसी महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे को महिमा मंडित करने वाली एक सांसद जब आपके साथ होती है तो आप उनको सांसद पद से हटाने की हिम्मत नहीं करते। और यदि किसी ने कहा कि आपका वो असली चेहरा है तो फिर आपको दुख होता है। आपके विधायक का बेटा बैट से मारता है, प्रधानमंत्री कहता है कि ऐसे लोग पार्टी में क्या कर रहे हैं, उसके बाद वो दूसरी बार धमकी देता है कि फिर मैं बैट निकालूं क्या। तो या तो प्रधानमंत्री दोहरी बात करते हैं, पार्टी में बोलते हैं कि मारते रहो और बाहर आके कहते कि ये क्या कर रहे हैं, और यदि प्रधानमंत्री दिल की बात कर रहे हैं, अपनी मन की बात कर रहे हैं, तो फिर ये माने कि प्रधानमंत्री की बात उनकी पार्टी ही सुनती नहीं। ऐसे कई उदाहरण हैं। कोई भी कानून लाने के पहले विश्वास में लेना जरूरी होता है। ऐसे कई केसेस सामने आए। एक सज्जन भारतीय सैन्य में 30 साल की नौकरी कर चुका है, देश सेवा के उसको मेडल मिले हैं, और नए नागरिक कानून में उनका नाम ही नहीं है लिस्ट में। मतलब 30 साल तक जिसने देश की सेवा की वो इस देश का नागरिक है नहीं। 30 साल तक बॉर्डर पे और रात्र काम करके, खून पसीना एक करके, गोलियां झेलते हुए जिसने इस मातृभूमि की रक्षा की होगी, आज रिटायरमेंट के बाद वो स्ट्रगल कर रहा है ये बताने के लिए कि मैं भारतीय हूं। और वो भारतीयत्व तो एक सेकंड में खत्म होगी क्योंकि उनका नाम लिस्ट में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुद नाराज, विधायक नाराज, मुख्यमंत्री को चेहरा दिखाने की जगह नहीं। और जब आपको लगता है कि विद्रोह हो रहा है तो तब तुरंत आप ये कहते हो कि राष्ट्रद्रोह है। एक तरफ कहते हो कि विपक्ष में कोई दम ही नहीं है, हमारे सामने कोई खड़ा ही नहीं है, और एक तरफ कहते हो कि नॉर्थ ईस्ट में जो आग लगी है ये विरोधी कर रहे हैं। यदि इस देश की विरोधी पार्टियां इतनी ताकतवर है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट और आसाम और बंगाल जला सकता है, तो फिर ये मानिए कि आप खुद कमजोर हैं। सत्ता पक्ष को अपना काम करना चाहिए, कारण नहीं बताने चाहिए। नागरिक कानून को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में कई पिटिशनर गए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, दिल से प्रार्थना करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान को सामने रखते हुए डिसीजन लेगी। यदि सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से अपने विशेष अधिकार का उपयोग कर कोई डिसीजन दिया तो फिर संविधान और लोकसभा राज्यसभा इनको वाइंड अप करना चाहिए। पर जो लोग राज कर रहे हैं उन्हीं के हाथ में राज होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी कई केसेस में देखा, इस देश के बड़े बड़े मसले थे जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अपने जब न्याय देता है तो जो डिसीजन आता है उसमें शुरुआत से लेकर आखिरी तक पढ़ो तो कई जगह खुद को ही क्रॉस करता है, खुद ही विसंगतियों का सामना झेलता है और फिर अंत में कहता है कि हमने विशेष अधिकार का उपयोग किया। विशेष अधिकार का उपयोग आप तब कीजिए जब आपको कानून रास्ता नहीं दिखाता। विशेष अधिकार का आप उपयोग तब करते हो जब आपको किसी एक को मदद करनी होती है। अब जब न्यायालय झुकने लगता है
तो फिर लगता है कि जो तराजू लेके जो मूर्ति खड़ी है, जिसकी आंखों पे पट्टी बांधी है, शायद वो पट्टी उतर गई है। अब वो मूर्ति देखने लगी है, कौन मेरा कौन पराया, किससे मेरा फायदा किससे मेरा नुकसान, और उस हिसाब से वो तराजू को झुकाता है। न्यायपालिका की जो मूर्ति है उसकी आंखों पे पट्टी इसीलिए है कि जब वो तोले तो कानूनन तोले, वो देखे नहीं किसको क्या जा रहा है। लेकिन जब जब विशेष अधिकार का उपयोग हुआ है तब तक संविधान का अपमान हुआ है, जब जब विशेष अधिकार का उपयोग हुआ है तब तब जुडिशियर का अपमान हुआ है। हो सकता है ये बात बहुत कड़वी लगे, हो सकता है न्यायपालिका को लगे कि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को आईना दिखाना होगा। इस देश के लोग बोलते नहीं हैं, और जब बोलते हैं तो फिर रस्ते पर उतरते हैं। महात्मा गांधी से लेके जयप्रकाश नारायण से लेके नॉर्थ ईस्ट में जो आग लग रही है ये उसके जीवंत उदाहरण हैं। जब अति होती है तो सर्वसामान्य आदमी रस्ते पर उतरता है, और जब सामान्य आदमी रस्ते पर उतरता है तो उसकी ताकत कई तानाशाहों से ज़्यादा होती है। मैं किसी को तानाशाह नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रस्ते पर जब आदमी उतरता है तो उस आदमी का ख्याल रखना चाहिए, ये अपने आप को पूछना चाहिए कि आज भी कश्मीर में आर्मी क्यों है, अपने आप को पूछना चाहिए नॉर्थ ईस्ट क्यों जल रहा है, अपने आप को पूछना चाहिए हम कब तक लाठीचार्ज करेंगे, और कब तक इस देश के युवाओं को जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो उसका हनन कब तक करते रहेंगे। कहीं ना कहीं सत्ता संभालने वालों को ये देखना होगा, क्योंकि सत्ता से उखाड़ के फेंकना इस देश की जनता जानती है, उसके इंडिकेशन शुरू हो गए हैं। आज दुर्भाग्य है, आज इस पे बहस होती है कि रेप कैपिटल किसको कहा और कि रेप इन इंडिया किसने कहा। रेप विक्टिम पे कोई बात नहीं करता, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता, आर्थिक नीतियों पे बात नहीं करता। बार बार कहा जाता है कि अच्छे दिन आए अच्छे दिन आए अच्छे दिन आए, किसके अच्छे दिन आए ये समझ के परे हैं, या सत्ता पक्ष में जो दोनों तरफ से मक्खन खा रहे या तो उनके अच्छे दिन आए होंगे। अच्छे दिन तो आने थे जनता के, वो तो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। बार बार बताया जाता है इतने गैस सिलेंडर बटे, वो गैस सिलेंडर रिफिल करने का पैसा लोगों के पास नहीं, कोई नहीं बोलता। प्याज महंगा होता तो वित्त मंत्री कहती है तो मैं तो प्याज ही नहीं खाती, मैं क्या करूं। एक मंत्री कहती कि अरे पिक्चर देखने के लिए पैसा है लोगों को, इसका मतलब बहुत ज़्यादा देश तरक्की कर रहा है। यदि दाऊद इब्राहिम ज़्यादा स्मगलिंग करे भारत में तो कल ये कहने मत लगना कि अरे भैया भारत बहुत संपन्न है, यहाँ से बहुत स्मगल्ड होता है चीज़ें बाहर, बहुत स्मगलिंग अंदर होती है। ये यदि पैमाने हो गए विकास के तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य इस देश का नहीं होगा। कहीं ना कहीं फिर से एक बार इस नागरिक कानून को परिभाषित करना होगा। गलतियाँ हर एक से होती है, और गलती सुधारना और गलती के लिए माफ़ी मांगना इससे बड़ा इंसान के पास कोई गुण नहीं है, वो दिखाने की ज़रूरत है। स्टेट्समैन जिसको हम कहते हैं, जो लार्जर दैन लाइफ यदि आप है, यदि आपका सीना 56 इंच का है तो उस सीने में इतना बड़ा दिल भी होना चाहिए कि गलती पे माफ़ी भी मांगे। ये देश आपके साथ देगा।